नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल शुभम एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यायवाची का चौथा पार्ट। याद रखेंगे चौथा पार्ट महत्वपूर्ण पर्यायवाची, जो परीक्षा में आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट परीक्षा में आने वाली। सबसे पहला देखेंगे कोयल का पर्यायवाची, महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट कोयल का पर्यायवाची देखेंगे। कोयल आगामी 10 सालों में पूछे गए जितने भी पर्यायवाची हैं वही आपको पढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, मदन शलाका होता है, काल घोष होता है, बसंत दूत होता है, कोकिल होता है। सबसे पहला है मदन शलाका, मदन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, मदन शलाका, मदन शलाका, काल घोष, इसको क्या बोलते हैं, काल घोष बोलते हैं हम। और क्या बोलते हैं, हमने बताया अभी, बसंत दूत, कोकिल, याद रखेंगे बसंत, बसंत दूत, कोकिल, कोकिल भी बोलते हैं इसको। अच्छा, मदन शलाका, काल घोष, बसंत दूत, कोकिल भी होता है, कालपाली भी होता है। क्या होता है, कालपाली, कालपाली, याद रखेंगे ये महत्वपूर्ण कोयल की पर्यायवाची। इसके बाद कंचन का पर्यायवाची देखेंगे हम। किसका, कंचन, कंचन का मतलब क्या होता है, स्वर्ण या कनक इसको बोलते हैं। जैसे सोना, सोना हो गया, क्या हो गया, सोना हो गया, स्वर्ण हो गया, सुवर्ण, सुवर्ण, और भी देखेंगे, और कनक भी होता है, कनक, कनक, सोना, स्वर्ण। इसके बाद और देखेंगे, लास्ट देख लेंगे, हमने स्वर्ण लिख दिया, सोना भी हो गया, कंचन एक है आपका, कंचन का तो लिख ही रहे हैं, कनक, स्वर्ण, सोना और कनक। फिर से देखेंगे, सोना हो गया आपका, इसके बाद स्वर्ण हो गया आपका, क्या हो गया, स्वर्ण हो गया आपका, और कनक भी हो गया, कंचन तो ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन पर्यायवाची महत्वपूर्ण एग्जाम में आती है। इसके बाद खल का पर्यायवाची देखिए, खल का मतलब क्या होता है, खल का मतलब होता है दुष्ट, क्या होता है, दुष्ट होता है, खल का पर्यायवाची होता है दुष्ट। देखेंगे कौन कौन सी पर्यायवाची खल की, जैसे दुष्ट, अधम, पामर, नीच। दुष्ट, अधम सबसे पहला है, दुष्ट, दुष्ट, अधम, अधम, पामर, नीच, क्या बोलते हैं इसको हम, नीच, नीच, दुष्ट, अधम, पामर, नीच। अच्छा, ये हो गई। और देखेंगे षठ भी होता है, दुर्जन भी होता है, कुटिल भी होता है, एक है षठ, अधम, अधम तो होगा ही, दुर्जन भी होता है, दुर्जन, दुर्जन, एक पर्यायवाची कुटिल भी होता है, क्या होता है इसका, कुटिल, कुटिल हो गया। तो नीच, पामर, दुष्ट, अधम, कुटिल, दुर्जन, षट, एक इसका पर्यायवाची, खल का पर्यायवाची। इसके बाद गणेश का पर्यायवाची देखेंगे, इसका गणेश का पर्यायवाची। अपनी कॉपी पर आपको सिर्फ देखना ही नहीं दोस्तों, देखना नहीं, आपको नोट भी करते जाना है, महत्वपूर्ण। इसके बाद विनायक, एकदंत, गजानन देखेंगे। सबसे पहले विनायक, दूसरे नंबर पर है एक दंत, विनायक, लंबोदर, लंबोदर, विनायक, एक दंत, लंबोदर। इसके बाद देखें हेरंग भी होता है, महाकाय, हेरंग कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नया शब्द हेरंग, हेरंग भी हो गया, और एक है आपका महाकाय, ये भी याद रखेंगे। तो विनायक, एकदंत, लंबोदर, महाकाय, हेरंग हो गया। इसके बाद गंगा का पर्यायवाची देख लेंगे, महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, देखेंगे भागीरथी, सुरसती है ना, और देवशरी भी होता है। तो सबसे पहले आता है देवशरी, देवशरी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद अगला जो है वो भागीरथी है, देखेंगे भागीरथी, भागीरथी, ये याद होता है, भागीरथी होता है, ठीक है। सुरसरी भी होता है, नदीश्वरी भी होता है, नदीश्वरी, सुरसरी देख लेंगे कौन सा है, सुरसरी,
चलिए है ना, गंगा का पर्यायवाची याद रखेंगे त्रिप, देखिए त्रिप त्रिप और थगा होता है, त्रिप थगा इसको बोलते हैं क्या, त्रिप थगा, यहाँ त्रिप थगा होता है। अलकनंदा देवापगा, अलकनंदा देवापगा, इसको क्या बोलते हैं, देवापगा भी बोलते हैं। देवशूलसरी हो गया, अलकनंदा भागीरथी नदीश्वरी, महात्मपुर विष्णुपदी भी होता है, कौन सा विष्णुपदी होता है, नदीश्वरी भी होता है, तो लास्ट है विष्णुपदी, इसको लिख लेंगे आप विष्णुपदी। तो ये गंगा का पर्यायवाची हो गया। इसके बाद देखेंगे गृह का पर्यायवाची, आप देख लेंगे किसका, घर का पर्यायवाची। तो गृह का पर्यायवाची महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे गए कौन कौन से हैं, निकेतन केतन आलय निलय, कैसे बोलेंगे, निकेतन और केतन भी होता है, केतन किसका पर्यायवाची है, केतन गृह का, निकेतन निकेतन आलय आलय, केतन निकेतन आलय निलय आगार गे गे, ठीक गे हो गया, और देखेंगे आलय भी हो गया, इसके बाद आगार भी होता है, आगार जैसे शास्त्रागार होता है, क्या होता है जैसे शास्त्रागार होता है उसी तरह आगार, उसी से मिलकर बना है, निकेतन केतन आलय निलय आगार और गे भी हमने लिख दिया, एक दो तीन चार पांच, कितनी हो गई, पांच पर्यायवाची आपको याद रखना है। और भी देख लेंगे आलय निलय भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है निलय, निलय नहीं लिखा हुआ है तो निलय लिख लेंगे निलय, ये तो आलय केतन निलय आगार गे ये सब इसके घर के पर्यायवाची हो गए। इसके बाद चंद्रमा का पर्यायवाची देखेंगे आप, किसका, चंद्रमा का, जो इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछी गई है, देखेंगे कौन कौन सी है, जैसे शशि राकेश मयंक, सबसे पहले शशि, फिर इसके बाद राकेश मयंक, मयंक रात्रि की पर्यायवाची में अगर हम क्या जोड़ देंगे, जितने भी रात्रि की पर्यायवाची है अगर उसमें हम कर जोड़ देंगे तो सब किसकी पर्यायवाची बन जाती है, वो सारी चंद्रमा की बन जाती है, जैसे शुभाकर हिमांशु निशानाथ, ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं, निशानाथ भी बोलते हैं, है ना। और देखेंगे दिनकर तो नहीं होगा, दिनकर नहीं होगा, सुधाकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुधाकर, सुधाकर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिमांशु भी होता है, इंदु भी होता है, क्या है, हिमांशु, हिमांशु और देखेंगे क्या होता है, इंदु, इंदु किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची, कई बार पूछा गया है कि इंदु किसका पर्यायवाची होता है, चंद्रमा का, पर्यायवाची का पर्यायवाची पूछ लेते हैं आपसे, याद रखेंगे, जैसे विधु हो गया, किसका पर्यायवाची हो गया, विधु, कला विधि, ये सारी किसकी पर्यायवाची है, एक है विधु, और देखेंगे कला है ना, निधि, निधि भी पर्यायवाची है, निधि, ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची किसकी, चंद्रमा की होती है। हम आपको कई बार बता दें एग्जाम में जितने भी आए हुए प्रश्न हैं वही सिर्फ आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इसके बाद देखेंगे आपको चश्मा का पर्यायवाची पढ़ना है, इसको रेज करते जा रहे हैं, चश्मा का पर्यायवाची, वीडियो को आपको अंत तक देखना है और ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना है जो आपको शब्द ना आ रहे हो, बार बार हम कह रहे हैं कि जो शब्द आपको ना आ रहे हो बार बार आप उनको मैसेज में कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और आप पूछें, ज्यादा से ज्यादा पूछें, ठीक है। इसके बाद चश्मा का शय नेत्र उपनेत्र, देखेंगे चश्मा का पर्यायवाची, चश्मा, चश्मा का पर्यायवाची सबसे पहले सह नेत्र होता है, और क्या होता है, उपनेत्र भी होता है, सहनेत्र उपनेत्र और उपनयन, क्या होता है, उपनयन और ऐनक भी होता है, एक शब्द कई बार पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से, ऐनक, इसको क्या होता है, ऐनक होता है, भैया ऐनक, ऐनक होता है ना, ये क्या है, ऐनक हो गया। तो ये चश्मे का पर्यायवाची हो गया। इसके बाद चांदी का पर्यायवाची देखेंगे, किसका, चांदी का पर्यायवाची, ध्यान से देखेंगे वीडियो को आप और अंत तक देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे अंत तक देखेंगे।
कहते हैं कि असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है। जो करता है जी जान से पूरा प्रयास, असफलताएं उसका पीछा छोड़ देती है। तो आप जी जान से अपना प्रयास करिए, ठीक है, असफलताएं आपका पीछा छोड़ देंगे। चांदी का पर्यायवाची देखेंगे, रजत क्या होता है, रजत रूपा, रूपा भी होता है, और देखेंगे रजत, रजत रजत हो गया, रूपा हो गया, गात रूप होता है। एक शब्द है गात रूप आता है, बहुत बार पूछा गया है, चंद्रहास है ना, और रुक्म भी होता है, नौद भी होता है, ये रुक्म है ना, नौद, एक शब्द और भी आता है नौद, ये शब्द बहुत बार पूछा गया है कि नौद किसका पर्यायवाची है, वो चांदी का पर्यायवाची होता है। गात रूप, ठीक है, ये गात रूप, अगर यहाँ पर जात रूप कर दिया जाए तो वो आग का पर्यायवाची बन जाता है, किसका, आग का पर्यायवाची बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। एक और है चंद्रहास, एक शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है चंद्रहास, ये इंपॉर्टेंट, जितनी भी रुक्म, या रुक्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रुक्म किसका पर्यायवाची है, तो वो होता है चांदी का पर्यायवाची। इसके बाद जल का पर्यायवाची आप देखेंगे, किसका, जल का पर्यायवाची। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, और जितने भी हम पर्यायवाची लिखवा रहे हैं आपको, आगामी 10 साल में पूछे गए पर्यायवाची शब्द हैं, कॉपी पर एक पर्टिकुलर एक कॉपी बना लीजिए हिंदी की, आपको सारे टॉपिक उसमें पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जल का पर्यायवाची, वाटर का पर्यायवाची क्या होता है आपको देखना है। सबसे पहले आता है शंबर, शर्ममुख, शंबर शर्ममुख धनरस, देखेंगे क्या, फिर से सुनेंगे, शंबर शर्ममुख, ये शंबर शर्ममुख, एक शब्द आता है शर्ममुख, शंबर हो गया, शर्ममुख हो गया, और देखेंगे धनरस, कभी सुना नहीं होगा ऐसी पर्यायवाची, जल की पर्यायवाची हमें क्या बताया, ये शर्ममुख, संबर भी होता है और क्या होता है, धनरस भी होता है ना। इसके बाद शलिल, वाय, आग, क्या होता है, शलिल, आग, आग, और भी क्या होता है, वाय भी होता है, वाय है ना, अंब भी होता है, अंब, ठीक, नीर होता है, ये सब किसकी पर्यायवाची है, जल की पर्यायवाची होती है। शारंग भी होता है, उदक भी होता है, क्या होता है, उदक, एक पर्यायवाची है उदक, ये आपने कभी सुनी नहीं होगी ऐसी पर्यायवाची। जितनी भी एनसीईआरटी की किताब है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, उन्हीं से ये सारा कलेक्शन किया गया हुआ है ना, और जो एग्जाम में आए हुए पर्यायवाची हैं सिर्फ आपको वही पढ़ाए जा रहे हैं, और इन्हीं से आपको मिल जाएगा। अगला पर्यायवाची देखेंगे, जल का हो गया, कुबेर का पर्यायवाची देखेंगे, किसका, कुबेर, बहुत ध्यान से देखना है वीडियो को, आपको अंत तक देखना है वीडियो को, ठीक है। धनपति भी होता है, क्या होता है, यक्षराज, धनद, यक्षराज, यक्षराज, ठीक है, ध, धन, द, धन देने वाले, क्या होता है, धन, धन देने वाले। राजराज, क्या होता है, राजराज, धनेश, ये धनेश, राजराज, क्या बोलते हैं इसको, राज, राज, ठीक, पूरे आ रहे हैं, ठीक है, राजराज। इसको देखिए, राजराज, धनेश, यक्षराज, धनद भी होता है, धनेश्वर, नृपराज भी होता है, क्या होता है, नृपराज, ये नृपराज है ना, नृपराज होता है। धनेश्वर, क्या बोलते हैं इनको हम, धनेश्वर, धनेश्वर भी होता है ना, अधिपति, अधिपति भी कह सकते हैं इनको हम एक प्रकार से, अधि, ये अधिपति। भैया बार बार बोल रहे हैं, वीडियो को आपको अंत तक ही देखना है, वीडियो को आप क्या करेंगे, अंत तक देखेंगे। इसके बाद झंडा का पर्यायवाची देखेंगे, झंडा का पर्यायवाची महत्वपूर्ण, ध्वजा, पताका, ऐसी सभी पर्यायवाची किसकी होती है, झंडा की पर्यायवाची देख लेंगे। झंडा, झंडा का पर्यायवाची देखेंगे कौन कौन सी होती है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पताका ही है, ध्वजा, केतु, निशान, 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 दूसरा है ध्वजा, तीसरा है पताका,
ये तीन से चार है, पताका ध्वजा निशान, एक एक और है इंपॉर्टेंट केतु, एक है केतु, ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची हो गई। इसके बाद देखिए दो तीन और लास्ट में बची हैं, आप उसको देख लेंगे तो यहाँ से चौथा पार्ट आपका पर्यायवाची का खत्म हो जाएगा। बस दो से तीन पर्यायवाची, एक तलवार की है और तरुणी की देख लेंगे, तलवार तलवार का पर्यायवाची देख लेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसके बाद तरुणी का पढ़ लेंगे खत्म हो जाएगा। चंद्रहास होता है, कृपाण होता है, इसको हम बोलते हैं कृपाण, है ना, और चंद्रहास भी होता है। अब एक चंद्रहास भी होता है, आपने चांदी का भी चंद्रहास पढ़ा है ना, पीछे वाले क्लास में तीसरे पार्ट में चांदी का भी पढ़ा है आपने चंद्रहास। कृपाण भी होता है, अश्य भी होता है, करवाल भी होता है, ये अश्य और करवाल भी होता है, एक शब्द है करवाल, ये चंद्रहास कृपाण करवाल अश्य, ठीक है। शमशीर होता है, क्या होता है, एक शब्द है ये शमशीर, शमशीर भी तलवार का पर्यायवाची होता है, अश्य कृपाण, तो ये तलवार का। लास्ट है आपका तरुणी का पर्यायवाची, किसका है, तरुणी, अच्छा तरुणी कहते किसे, यही पूछ लिया जाता तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता कि तरुणी किसका पर्यायवाची, तरुणी का मतलब होता है सुंदर, युवती युवा होता है ना, यौनवती, क्या कहते हैं इसको हम, यौनवती बोलते हैं तरुणी को। देखेंगे सबसे पहले तो सुंदर हो गया है ना, सुंदर हो गया, सुंदर, अब सुंदर से अंदाजा लगा सकते हैं क्यों, कौन सकते सुंदरी भी हो सकता है, इसको हम चाहे सुंदरी करते हैं, सुंदर ने सुंदरी कर दे, सुंदरी की है। यौनवती होता है, क्या होता है, यौनवती होता है प्रमदा, यौनवती एक शब्द आता है प्रमदा, क्या होता है प्रमदा, सुंदरी यौनवती प्रमदा, ठीक है। रमणी भी होता है, क्या होता है, रमणी भी होता है, मनोज्ञा भी होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मनोज्ञा, ये मनोज्ञा रमणी भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रमणी, रमणी, रमणी हो गया, मनोज्ञा, प्रमदा, यौनवती, सुंदर। तो ये रहे मित्रों आपका चौथा पार्ट महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द का। इसके बाद अगला पार्ट पांचवा मिल जाएगा, 10 से 12 बहुत ज्यादा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इस वजह से आपको हम क्या कर रहे हैं, 10 से 12 पर्यायवाची का एक हम पार्ट आपको दे रहे हैं, अपनी कॉपी पर सारे लिख लेंगे, हैं तो बहुत 1000 से 2000 पर्यायवाची आप कितनी याद करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं वो आपको पढ़ाई दी जा रही है और ज़्यादातर यही आपको पढ़ लेना है, ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इनको मॉर्निंग में क्या करना है, मॉर्निंग में सिर्फ देखना है, एक बार पढ़ लेना है, देखना है, आपको अपने मन से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मिलते हैं पांचवें पार्ट में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।